Okay, we are starting with a fresh topic जिसका नाम है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. वी आर स्टार्टिंग विद अ फ्रेश टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. क्लियर है? अब इसमें है ना, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप वन न्यूमेरिकल. कौन सा टाइप चालू कर रहे हैं? टाइप वन न्यूमेरिकल. अगेन आई एम रिपीटिंग, कौन सा टाइप चालू कर रहे हैं? टाइप वन. टाइप वन का नाम क्या है? नाम है इसका प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस इमर्ज्ड इन लिक्विड. प्लेन सरफेस इमर्ज्ड इन लिक्विड केस वन चालू कर रहे हैं. देन कौन सा केस चालू कर रहे हैं? केस वन. क्या नाम है केस का? केस का नाम क्या है? प्लेट इज इमर्स्ड वर्टिकली. प्लेट इज इमर्स्ड, प्लेट इज इमर्स्ड वर्टिकली. समझ के लेते हैं. देखो इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है. क्या क्या क्या? प्लेन सरफेस या तो प्लेट सरफेस, इंपॉर्टेंट वर्ड है. क्या? प्लेन या प्लेट. कैसे डाल रहे हैं दोस्त? खड़ा डाल रहे हैं. कैसे डाल रहे हैं? खड़ा डाल रहे हैं, वर्टिकल. कैसे डाल रहे हैं दोस्त? खड़ा डाल रहे हैं. देखो ये मोबाइल दिख रहा है, ये मोबाइल इज अ प्लेट सरफेस, दिख रहा है? करेक्ट. ये गया पानी में. जब डाल रहा हूं मैं तो कैसे डाल रहा हूं दोस्त? खड़ा डाल रहा हूं. बराबर. दूसरा तरीका कैसे रहेगा? दूसरा कैसा है? हॉरिजॉन्टल. दूसरा कैसा है? हॉरिजॉन्टल. तीसरा कैसा है? इंक्लाइंड. क्या हुआ जुनेद? ठीक है वापस बोल जुनेद. जुनेद 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 सुनो, पहला कैसे? वर्टिकल. दूसरा कैसे? और तीसरा कैसे? क्या इमर्ज कर रहे? प्लेन सरफेस. वो सरफेस कंपलसरी प्लेन रहना चाहिए, फ्लैट रहना चाहिए, तो ही ये टाइप फॉलो होगा. इज इट क्लियर? प्लेट इज इमर्स वर्टिकल. टाइप केस क्लियर चल रहा है. आगे बढ़ते हैं. एक काम करते हैं, एक फ्री वाटर सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं मैं. मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं? फ्री वाटर सरफेस. इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है फ्री वाटर सरफेस. और यहां पे एक इररेगुलर शेप का, उसका ना कोई हाथ है ना पांव है, एक इररेगुलर शेप, कोई भी प्लेन सरफेस है जिसका कोई एक शेप नहीं है. वो शेप कुछ भी हो सकता है. ये कोई शेप लग रहा है? ओवल लग रहा है तो हटा देते हैं. चलो हटा दिए, शेपलेस. अब कोई शेप नहीं है, ठीक है? अब क्या कर रहे हैं? यहां पे एक इसका सीजी लोकेट कर रहे हैं. क्या लोकेट कर रहे हैं? और एक सीपी लोकेट कर रहे हैं. सीजी का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीपी का मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर. कोई डाउट है दोस्त? नो? ध्यान देना, ध्यान देना. एक सीजी से डिस्टेंस होगा, एक सीपी से होगा. इज इट क्लियर? एक सीजी से होगा, एक सीपी से होगा. प्लीज ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट है. जो सीजी से ये डिस्टेंस रहेगा उसका नाम रहेगा वाई बार. क्या नाम रहेगा? और सीपी से जो डिस्टेंस फ्री वाटर सरफेस तक रहेगा उसका नाम रहेगा एच, रहेगा स्मॉल एच. क्या नाम रहेगा? स्मॉल एच. याद रहेगा ये दो बात आपको. और एक बात याद रखना, ये दोनों डिस्टेंस है. क्वेश्चन आता व्हाट डू यू मीन बाय फ्री वाटर सरफेस, उसका मतलब समझ के लेना अपने को. चैप्टर का नाम है हाइड्रोस्टैटिक. हाइड्रो मतलब पानी, स्टैटिक मतलब रुका हुआ प्रेशर. ये तभी एप्लीकेबल है जहां पानी रुका हुआ, जैसे जैसे
वॉशरूम में कहां पानी रोकेगा दोस्त, कमोड में। अच्छा बोल सकते हैं तालाब, डैम, डैम में पानी एक साइड रुका रहता है, टब, टब के अंदर, बाल्टी के अंदर, स्विमिंग वाटर टैंक के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर, करेक्ट। तो ये सब जगह पानी रुका रहता है, पानी के बॉटल के अंदर, पानी के बॉटल देखो, बराबर, ये पानी की बॉटल है, इसके अंदर मैं पानी भर रहा हूं, पानी 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 पानी, ये यहां तक पानी खत्म हो गया, यहां तक पानी खत्म हो गया, करेक्ट। तो टॉप मोस्ट पोर्शन है ना, इसे बोलते हैं इंग्लिश में फ्री वाटर सरफेस, और हिंदी में बोलते हैं जो वाटर का अपर मोस्ट पोर्शन है, करेक्ट, जो वाटर मोस्ट पोर्शन है, जो हवा को चूम रहा है, बराबर, हवा को क्या कर रहा है, ये चूम रहा है, वो पोर्शन को हम लोग बोलते हैं फ्री वाटर सरफेस। ऐसे पेपर में लिखना, ठीक है, ध्यान देना। तो स्टार्ट करते हैं, अपने को पूछता है क्या सम में, ये सम के अंदर अपने को पूछता है टोटल प्रेशर, क्या पूछता है, टोटल प्रेशर, अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या पूछता है, टोटल प्रेशर, उसको बोलते हैं पी, क्या बोलते हैं, पी, पी का फॉर्मूला होता है गामा एल ए वाई बार, याद रहेगा, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, गामा एल ए वाई बार, गामा एल, देखो क्या नाम बोला मैंने, एल, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे ना, तो गामा का मतलब होता है एसपीजी इंटू गामा डब्ल्यू, ये जिंदगी भर याद रखना, गामा एल का मतलब एसपीजी इंटू गामा डब्ल्यू, एरिया इंटू वाई बार, याद रहेगा आपको ये फॉर्मूला। अच्छा गामा का मतलब एक और होता है रो और जी, समझ में आया, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते, लेकिन अपने काम का बस ये सेकंड फॉर्मूला हर बार लगेगा, और एक फॉर्मूला लगेगा अपने को इसके लिए, उसका नाम है सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर, इसका सिंबल है एच, इसका फॉर्मूला देखो क्या है, आई जी अपॉन ए वाई बार प्लस वाई बार, समझ में आ रहा है, सेंटर ऑफ प्रेशर का भी फॉर्मूला है, कोई डाउट है किसी को, सब समझाऊंगा मैं, आगे बढ़े, चलो ध्यान देना, एक सेंटर ऑफ प्रेशर, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये पहला केस था, केस का नाम क्या था दोस्त, प्लेट इज इमर्ज्ड वर्टिकली, प्लेट कैसा इमर्ज्ड है, वर्टिकली, प्लेट इज इमर्ज्ड वर्टिकली, दूसरा केस बताने जा रहा हूं, प्लेट इज इमर्ज्ड इंक्लाइंड, क्या केस का नाम है, प्लेट इज इमर्ज्ड इंक्लाइंड, पहला केस क्लियर है, किसी को कोई डाउट है, कुछ भी डाउट नहीं है, लिखना है, हाँ लिखने को देता हूं टाइम, ठीक है, यहां तक क्लियर है, सेकेंड केस चलूंगा मैं, सेकेंड केस का नाम क्या है दोस्त, प्लेट इज इंक्लाइंड, करेक्ट, केस बी, क्या बोलूं मैं, प्लेट इज इंक्लाइंड, प्लेट इज इंक्लाइंड, ये फ्री वाटर सरफेस, ये फ्री वाटर सरफेस, करेक्ट, और ये फ्री वाटर सरफेस, कोई डाउट है, इरेगुलर शेप का पानी का एक ये सरफेस है, अब ये इंक्लाइंड केस है, इंक्लाइंड मतलब ये सरफेस से इंक्लाइंड चल रहा है, क्लियर है, और पैरेलल मतलब अब जो डाल रहे हैं ना अंश, ये देखो इधर ऐसे है, इंक्लाइंड है, कैसा है, इंक्लाइंड है, तो इधर देखो यहां पे क्या लिखूं, सी जी, यहां पे क्या लिखूं, सर मेरे को एक जन पूछ रहा है कि क्या हमेशा सी जी सीपी के ऊपर रहे, ऊपर रहेगा, ऐसा कोई रूल्स नहीं है, कोई भी किधर भी हो सकता है, अभी देखो इसको आपको हमेशा रेफरेंस लेना है, इधर ऐसे लेना है परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर है ये, और फिर ये आपको डिस्टेंस मिलेगा, बराबर, तो ये डिस्टेंस क्या हुआ, हाँ ये डिस्टेंस हो गया आपका सी जी से वाई बार, सीपी से एच, फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला बता रहा हूं टोटल प्रेशर का, किसका फॉर्मूला बता रहा हूं, टोटल प्रेशर का, क्या अलग है, क्या अलग है,
कुछ भी नहीं अलग है, सेम है। अब सेकेंड फॉर्मूला बता रहा हूं मैं सेंटर ऑफ प्रेशर का, सेकेंड फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, यहां पे लिखू नीचे, ओके सेकेंड फॉर्मूला बता रहा हूं मैं सेंटर ऑफ प्रेशर का। देखो फॉर्मूले में क्या अलग है, साइन स्क्वायर थीटा, एक एंगल से ये टिल्ट है थीटा, प्लस वाई बार। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये लिख लिया। चलो आगे बढ़ते, अब है ना अपने को फॉर्मूला लगेगा, प्लीज ध्यान देना। सीरियल नंबर, शेप, एरिया, वाई बार और आई जी। क्यों, क्या हो रहा है? हाँ चलेगा ना, चलो ध्यान देना। फर्स्ट रहेगा सीरियल नंबर, फिर दूसरा क्या रहेगा? शेप। तीसरा क्या रहेगा? एरिया, y बार और आई जी, जिसको आई एक्स एक्स बोलते हैं। पहले शेप की बात कर रहा हूं मैं, 1, 2, 3, 4, ये चार शेप मेन है। पहला है सर्कल, पहला है सर्कल, ठीक है। दूसरा शेप है रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बेटा। तीसरा शेप है ट्राइंगल, नेक्स्ट है ट्रेपेजॉइडल, चलो यहां तक क्लियर है। शेप्स हो गए, एक एक शेप्स को डायमेंशन समझ के लेते हैं। डायमीटर क्या हो गया? डी, डी ये क्या रहेगा? बी, इसका बेस रहेगा, इसका हाइट रहेगा, ओके। क्लियर है? अभी ट्रेपेजॉइडल में देखो, इधर नाम दे रहा हूं मैं, ए बी बी सी टी डी, इसका बेस विड्थ है बी, करेक्ट है, हाइट है एच, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ट्रेपेजॉइडल सेक्शन चलिए चालू करें, काम की बात करें। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला बोलो, रेक्टेंगल का बोलो, ट्राइंगल का बोलो, इसका बोलो। देखो इसका फॉर्मूला ध्यान देना, हाफ इंटू ए डी, बड़ा डायमेंशन, प्लस बी सी, छोटा डायमेंशन, वो बेस विड्थ है, उसको छोड़ दो, ये ए डी और बी सी, ठीक है, इंटू स्मॉल एच, हाइट, जितना वाटर रहेगा, ठीक है। अब आते हैं वाई बार लोकेट करने के लिए। इसका वाई बार रहेगा डायमीटर का हाफ, क्या रहेगा? डायमीटर का हाफ। इसका वाई बार रहेगा डी बाई टू, क्या रहेगा? इसका रहेगा एच बाई थ्री फ्रॉम बेस, और इसका रहेगा टू ए प्लस बी
अपॉन ए प्लस बी इंटू एच बाई थ्री। इसको बी नाम दिया है तो इसको ए नाम देता हूं, छोटा डायमेंशन, ठीक है। आई जी पाई बाय 64 इंटू डी रेस टू 4, इसका रहेगा बी डी क्यूब बाय 12। आई जी का मतलब आई एक्स एक्स होता है, इसका रहेगा बी एच क्यूब बाय 36, इसका रहेगा ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर द होल अपॉन 3b अपॉन ए प्लस बी। प्लीज नोट दिस फॉर्मूला, ये आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहला तीन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है, बट रिस्क नहीं ले सकते, उसके लिए मैंने सब दे दिया। यहां पे जाके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के सारे फॉर्मूले सब कुछ खत्म हो गया, अब न्यूमेरिकल चालू करेंगे।